हेलो एवरीवन कैसे हैं सब लोग सो दिस इज शिखा बंसल योर केमिस्ट्री एजुकेटर और बेटा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब जीओसी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम और बेटा जीओसी में अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज आइसोमेरिज्म एक हमने आयुपेक नॉमन खत्म कर लिया है कुछ कुछ कंपाउंड्स के नॉमन बचते हैं लाइक like, एनहाइड्राइड कैसे करना है या अमाइंस कैसे करना है या एसटर्स uh, कैसे करना है तो आई एल टेल यू ड्यूरिंग द चैप्टर्स ठीक है कि वो कैसे होंगे बेसिक जो नॉमन होता है एनसीईआरटी में जो बेसिक नॉमन क्लेचर के विन सी चैप्टर में दैट वी हैव कंप्लीटेड तो बेटा आइसोमेरिज्म हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में और क्योंकि आप लोगों की अभी अभी आंसर कीज आई है थर्टी ऑफ ऑगस्ट को राइट कल ही आप लोगों को आंसर कीज मिली है तो मे भी आप लोगों ने चेक किया होगा एंड बहुत जल्द रिजल्ट भी आने वाला है सो so, अगर आपने 2022 का अटैम्प्ट दिया था बेटा सबसे पहले तो आपने अटैम्प्ट दिया था दिस इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग रेदर देन द रिजल्ट मेरी एक बात हमेशा याद रखना मैंने हमेशा ये चीज़ बोली है कि आपने ट्राई किया था दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द रिजल्ट दैट यू गॉट तो वो जो आपका एक अटैम्प्ट है वो ज़्यादा काउंट होता है और अगर आपको लगता है कि बहुत कम स्कोर हो रहा है आंसर की आपने देख ही लिया है मतलब अगर आपको लग रहा है कि यू आर नॉट गोइंग टू गेट द गवर्नमेंट सीट दिस ईयर बेकार हो गया नहीं डोंट वरी मतलब सपना टूटा है छोड़ा नहीं है वरी वाली चीज तब होगी जब आपने सपना छोड़ दिया ये वाला अगर आपने सपना छोड़ दिया है तो फिर किसी और सपने को बिल्ड करो और उस पर फिर उतनी ही मेहनत करो जी जान लगा के ठीक है लाइफ तो रुकती नहीं है बेटा लाइफ में ऑल्टरनेटिव हमेशा निकल जाते हैं एंड वन थिंग वन बहुत ही अच्छी कोट है जो मतलब मुझे बहुत ज्यादा हिट की थी आई वॉज वेरी स्ट्रेस्ड एंड एंडी सेट टू मी की नथिंग इज परमानेंट सो so, हमेशा ये चीज याद रखना कि नथिंग इज परमानेंट यू विल फाइंड ऑल्टरनेटिव फॉर एनी सिंगल थिंग इन लाइफ एंड आई रियलाइज दिस दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू दिस कि यू कैन फाइंड दल्टरनेटिव फॉर एनी अदर थिंग इन द लाइफ सो अगर सपना टूटा है तो हमेशा याद रखो छोड़ा नहीं है तो हम एक बार और मेहनत कर सकते हैं हम एक ट्राई और कर सकते हैं और अगर आपने डिसाइड कर लिया कि एक सीरियस अटेम्प्ट और करना चाहते हैं सो so, बेटा आप प्लस या आइकॉनिक अगर अन अकेडमी के साथ पढ़ना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हो वी आर कमिंग। एक्चुअली वी हैव कम ऑलरेडी ऑन द अन अकेडमी ऑफलाइन सेंटर इन नोएडा सो दट सेम टीम इज अवेलेबल यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर टू टेक एडमिशन फॉर एनी क्वेरी ऑल्सो यू कैन कॉल दिस नंबर दट सेम टीम द टीम उम्मीद कैन स्टडी ऑन एन अकेडमी ऑफलाइन आइकॉनिक पे जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं वो भी बेटा ऑफलाइन पढ़ सकते हैं हम शुरू करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताओगे की वॉट इज आइसोमेजम मेनी पीपल टेल मी अग डेफिनेशन ऐसा होता है बहुत बार होता है ठीक है तो तुम लोग आज मुझे बताओ कि वॉट इज आइसोमेरिज्म क्या होता है आइसोमेरिज्म हाउ डू यू डिफाइन आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म एक फिनोमिना है एक्चुअली एक ही फॉर्मुले वाले एक ही मॉलिकुलर फॉर्मुला वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स काफी सारे हो सकते हैं काफी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहने से मतलब है अलग अलग प्रॉपर्टीज सो व्हाट हैपेंस so, बेटा कंपाउंड्स हैविंग लिखना कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स अब मैंने बोला कि काफी लोग मुझे गलत डेफिनेशन बताते हैं क्योंकि वो ऐसे बोल देते हैं बच्चे कहाँ से थोड़ा बहुत में भी वो गलत uh, थोड़ा सा उनके माइंड में एक मिसकंसेप्शन हो जाता है कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला दैट इज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन द करेक्ट डेफिनेशन इज कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज को हम आइसोमेजम कहते हैं बेटा आइसोमर्स का ब्रॉड क्लासिफिकेशन है कि आइसोमर्स दो तरह के होते हैं अगर मैं ब्रॉड एक क्लासिफिकेशन करूँ या आइसोमेरिज्म दो तरह का होता है एक होता बच्चे स्ट्रक्चुरल आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल को हम कॉन्स्टिट्यूशनल भी बोलते हैं स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल इज द सेम थिंग सो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या कांस्टिट्यूशनल आइसोमर्स एंड द सेकेंड वन इज स्टीरियो या स्पेस या स्पेस आइसोमर्स बेटा स्ट्रक्चरल में अपने पास है बच्चे चेन वी डू हैव पोजीशन चेन आइसोमर्स पोजीशन आइसोमर्स ंग चेन आइसोमर्स ये अपने पास किस में है ये अपने पास स्ट्रक्चुरल आइसोमर्स में इतने टाइप है इसी तरह से स्टीरियो या स्पेस आइसोमर्स में हमारे पास दो तरह की वेराइटी है एक है बच्चे हमारे पास कॉन्फिग्रेशनल कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स और दूसरा है बेटा कॉन्फॉर्मेशनल 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 को हम शॉर्ट में कॉन्फॉर्मर्स भी कह देते हैं कॉन्फिग्रेशनल में अगेन दो है बेटा कॉन्फिग्रेशनल में अगेन वी हैव जोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल तो अब आप देख लो कि ये टॉपिक अपने आप में कितना वास्ट होने वाला है क्योंकि हमें ये सारे टाइप सीखने हैं हमें इसमें से कोई भी स्किप नहीं करना ये हमारे सिलेबस में ऑल दीज टाइप्स आर देयर इन एनसीआरटी तो अगर सब कुछ है तो कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है तो ये हमें सारे टाइप्स बच्चे पढ़ने हैं तो सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि भाई स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होता क्या है जनरल आइसोमर्स की डेफिनेशन हमें मिल गई कि कंपाउंड जिनका सेम मॉलिकुलर फॉर्मुला है डिफरेंट कोई ना कोई प्रॉपर्टी है भले ही एक प्रॉपर्टी डिफरेंट हो दो प्रॉपर्टी डिफरेंट हो दस प्रॉपर्टी डिफरेंट हो वो आइसोमर कहलाएगा बट वॉट इज स्ट्रक्चरल एंड वॉट इज स्टीरियो इन दोनों में आपस में क्या बेसिक डिफरेंस है तो पहले नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डाल लो स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बेटा कंपाउंड्स हैविंग समझना कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो हर आइसोमर की मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता ही है सो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर ये जो डेफिनेशन है ना ये स्ट्रक्चुरल आइसोमर की डेफिनेशन है सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चुरल फार्मूला या डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चुर आइसोमर्स सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर और इन्ही डिफरेंट स्ट्रक्चर की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी इन्हीं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी बेटा इनको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं तो सबसे पहले हम क्या ले लें कैन वी चाहिए एक्चुअली वो आपका बेस बनाएगा आगे के आइसोमर्स का सो लेट्स बिगिन विद चेन आइसोमर द वेरी फर्स्ट आइसोमर इज चेन आइसोमर बेटा इसके नाम में चेन आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं आपको पेरेंट चेन के साथ खेलना है पेरेंट चेन के साथ खेलना है तो ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट उनमें पेरेंट चेन अलग अलग है वही चेन आईसम समझ गए ना इसीलिए पढ़ाया था सीखोगे सीखोगे पेरेंट चेन पेरेंट सीखो चेन सीखोगे पैकोगे अप्लाई करोगे सो हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला ऐसे लिख लो अब शॉर्ट में लिखेंगे ज्यादा लंबी लंबी डेफिनेशन लिख रहे हैं हम सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू क्यों इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है व्हाई डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट पेरेंट चेन समझ गए डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट पेरेंट चेन या डिफरेंट चेन और डिफरेंट चेंज क्यों होगी क्यों होगी क्योंकि बेटा चेन कैन बी स्ट्रेट चेन कैन बी ब्रांचड चेन कैन बी स्ट्रेट सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ आप स्ट्रेट चेन बना सकते हो

तो आप अभी के लिए क्या करो आयू पैक की सारी प्रैक्टिस कर लो उससे नॉमिन के क्वेश्चन कर लो फिर आप उसी से आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन कर लेना आई होप इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए भाई क्वेश्चन से मतलब है हमें क्वेश्चन के सोर्स से मतलब है मैंने आपको एक सोर्स दे दिया है अब आप उसमें से प्रैक्टिस करोगे तो प्रॉमिस करो मुझसे कि प्रैक्टिस करोगे अदरवाइज ये मेरी सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है जब तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है ना कि बिना प्रैक्टिस के ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं ये दिमाग में नहीं रहती उड़ जाती है दिमाग से तो एग्जाम्पल देखना बेटा चेन आइसोमेरिज्म जो स्टार्ट होता है एलकेन में वो अपने पास ब्यूटेन से स्टार्ट होता है ब्यूटेन से पहले अपने पास कोई चेन बन ही नहीं सकती मतलब चेन बदलने की पॉसिबिलिटी नहीं है भाई मीथेन में तो एक ही कार्बन है तो क्या ही चेन होगा इथेन में दो कार्बन है क्या ही चेन होगा प्रोपेन में तीन कार्बन है उसको कैसे अरेंज करोगे सो चेन आइसोमेरिज्म सबसे पहले ये लिखो चेन आइसोमेरिज्म और ये स्टार्ट कहाँ से होता है एलकेन में इट स्टार्ट्स फ्रॉम ब्यूटेन कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा ब्यूटेन से स्टार्ट होता है एल्केन का चेन आईसम ब्यूटेन मतलब ब्यूटेन मतलब चार कार्बन का एल्केन चार कार्बन का एल्केन और जिसका हम फार्मूला क्या बनाएंगे क्या फार्मूला बनाएंगे बेटा इसका हम फॉर्मूला बनाएंगे बेटा सी फोर एच टेन ब्यूटेन का फॉर्मूला ठीक है चलो ब्यूटेन का फॉर्मूला अब हमें सोचना है अब हमें दिमाग लगाना है कि कैसे ब्यूटेन के चेन आइसोमर बनेंगे या सो फॉर द ब्यूटेन बच्चे वॉट वी कैन डू देखो चार कार्बन है या तो हम इन चार कार्बन को स्ट्रेट चेन में लगाएंगे देखो हमारे पास फॉर्मूला है सी फोर एच टेन आप ना मेनली नंबर ऑफ कार्बन पे ध्यान दो आप मेनली नंबर ऑफ कार्बन पे यहाँ पे ध्यान दो फोकस करो नंबर ऑफ कार्बन पे ब्यूटेन है ये बेटा चार कार्बन को या तो आप स्ट्रेट चेन में लगा दो इज अ वे अब दूसरा क्या तरीका है कि आप तीन कार्बन को स्ट्रेट चेन में लगाओ ठीक है और अब अब जो आखिरी चौथा कार्बन है उसकी ब्रांचिंग करो अब देखो ब्रांच को अगर आप पहली पोजीशन पे लटका रहे हो टर्मिनल पे लटका रहे हो देर इज नो पॉइंट क्यों नहीं है पॉइंट क्योंकि हम आयोपेक पढ़ के आए है ना हमें आयो पैक अच्छे से आता है तो हमें पता है कि ब्रांच को अगर हम टर्मिनल पे लगाएंगे तो देर इज नो पॉइंट क्यों देखो आप जब नंबरिंग करोगे तो वन टू थ्री फोर ये तो आपके लिए स्ट्रेट चेन ही हो गई ना या फिर वन टू थ्री फोर और ये भी वन टू थ्री फोर है तो ब्रांच कभी भी टर्मिनल पे नहीं लगती जब भी आप मिथाइल की मतलब एक कार्बन की ब्रांचिंग कर रहे हो तो यू हैव टू स्टार्ट दैट ब्रांचिंग ऑलवेज फ्रॉम सेकेंड कार्बन ठीक है तो मैं इसको नोट लिखवा दूं क्योंकि बच्चे बना नहीं पाते हैं बच्चे कंफ्यूज होते हैं फिर बच्चे काउंटिंग नहीं कर पाते हैं तो नोट में लिखवा दूं मैं कि अगर आप ब्रांचिंग लगा रहे हो मिथाइल की Always start branching of methyl. अगर आप इथाइल की ब्रांचिंग लगाने, so लगाने वाले हो अगर आप इथाइल की ब्रांचिंग लगाने वाले हो तो यू शुड स्टार्ट फ्रॉम थर्ड कार्बन क्योंकि इथाइल की ब्रांचिंग सेकेंड कार्बन पे नहीं लगती फिर वही बात आ जाती है फिर वही चेंज चली जाती है अगर आप सेकेंड पे लगाते हो की की ब्रांचिंग हमेशा दूसरे कार्बन से शुरू की तीसरे से शुरू होगी, होगी इथाइल तीसरे और अब कमेंट्स में मुझे बता देना कि प्रोपाइल से से मेरा पर्पज है ऑर्गेनिक का फील या ऑर्गेनिक का सेंस डेवलप करना ऑर्गेनिक वर्ड अदर देन फिजिकल केमिस्ट्री अदर देन केमिस्ट्री बिल्कुल अलग दुनिया है मतलब हमें दूसरे प्लान पे जाना है तो आपको वहां का सेंस डेवलप करना पड़ेगा आपको वहां का फील लेना पड़ेगा और इसीलिए तुम लोग ऑर्गेनिक में परेशान रहते हो तो वही है तो मिथाइल की ब्रांचिंग सेकेंड से शुरू होगी इथाइल की थर्ड से 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 और तो में यू विल टेल मी के कौन से कार्बन से होगी ठीक है चलो अब देखो अगर मैं इस ब्रांचिंग को खिसका के देखू देर इज नो स्कोप क्योंकि भाई आप इधर खिसकाओगे तो फिर वही बात आ गई कि हमने टर्मिनल से चालू कर दी सो केवल दो ही चेन आइसोमर ब्यूटेन के पॉसिबल हैं। पहले वाले का नाम होता है एन ब्यूटेन बेटा एन ब्यूटेन कॉमन नेम है ये, ये नॉर्मल ब्यूटेन इसका कॉमन नेम, नाम होता है और नंबर आप मेरे कहने पर याद कर लोगे मुझे पता है कि इसलिए नंबर आप याद करोगे कि के अपने पास दो चेन आइसोमर है अब रूल क्या है चेन आइसोमर बनाने का रूल वैसे तो किताब में तो कोई रूल नहीं है वो तो कहते हैं कि बनाते जाओ और काउंट करते जाओ तो रूल मैंने बनाया है मतलब मैंने रूल भी किया मतलब तो एक सिस्टम सा डेवलप किया है क्योंकि ना गलती ना हो कोई चेन आई सुमर छूट ना जाए तो मैंने एक सिस्टमेटिक अप्रोच डेवलप कर लिया है ऐसे है कि फर्स्ट आपको क्या करना है पहले आपको अरेंज ऑल एन कार्बन मान लो आपका एल्केन का फॉर्मूला क्या है आपका एल्केन का फॉर्मूला है सी एन एच टू एन प्लस टू यही होता है ना का जनरल फॉर्मूला सी एन एच टू एन प्लस टू तो पहले ऑल एन कार्बन को आप स्ट्रेट लाइन में लगाओ मतलब अनब्रांच चेन में लगाओ अनब्रांच चेन अब आप ब्रांचिंग स्टार्ट करो देन एन माइनस वन कार्बन इन लीनियर चेन एन माइनस वन कार्बन उसके बाद जाएंगे लीनियर चेन में और एक कार्बन वन कार्बन विल बी एज ब्रांच एक कार्बन आपका ब्रांच की तरह जाएगा फिर आप उस ब्रांच को शिफ्ट कर करके देखोगे टू गेट ऑल दी पॉसिबिलिटी और इसके बाद आप क्या करोगे इसके बाद एन माइनस टू कार्बन इन लीनियर चेन एंड टू टू कार्बन ब्रांच टू कार्बन एज ब्रांच बस यही रूल्स है इसे ही हम फॉलो करेंगे ठीक है और हमें ब्रांच को तब तक खिसकाना है जब तक रिपीट ना होने लगे जब तक हमें ऐसा ना लगे कि अब कुछ नया नहीं बन रहा फॉर एग्जाम्पल देखो ब्यूटेन तो बहुत सिंपल था अब तुम लोग एक और सवाल पूछोगे आई नो सवाल पूछना चालू हो चुका होगा वो अब तक कि नॉर्मल ब्यूटेन तो ठीक है आइसो ब्यूटेन किसे कहते हैं वेयर डू वी यूज द आइसो वर्ड जो आइसो वर्ड आया है इसे हम कैसे यूज करते हैं कहाँ यूज करते हैं लिखना वट इज आइसो एल्केन आइसो कब यूज करते हैं वॉट इज आइसो एल्केन बेटा आइसो वर्ड तब यूज किया जाता है आइसो प्रीफिक्स इज यूज इज ब्रांच जब एलकेन आपका ब्रांच है मतलब लीनियर नहीं है स्ट्रेट नहीं है ब्रांच है एंड एंड ब्रांचिंग इज प्रेजेंट ब्रांचिंग ऑफ मिथाइल एक मिथाइल की ब्रांचिंग है कहां पर ऑन सेकंड कार्बन सेकंड ओनली तीसरे पे होगी तो आप आइसो नहीं कह सकते एक मिथाइल की ब्रांचिंग है सेकंड कार्बन पे तभी आप आइसो कहते हो चलो एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा एलकेन का नेक्स्ट एग्जांपल इज पेंटेन C5H12 मैंने पांच कार्बन का एल्केन लिया है कोशिश करेंगे सब मिलके साथ में करेंगे कि हमें पेंटेन के नंबर ऑफ आइसोमर्स आज काउंट करने हैं मुझे पता है जितने बच्चों को याद है कोई बात नहीं बेटा

भाई यही कहता का और वन टू थ्री फोर रूल यही कहता है तो 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 वो सेम ही ही है, तो वो है। तो भाई शिफ्टिंग करके तो हमें कुछ मिला नहीं तो चार कार्बन वाले में तो एक ही था मतलब एन -1 में तो एक ही possibility मिली अब एन -2 पे आ जो। एन -2 का मतलब है कि तीन कार्बन को लगाओ और सेकेंड कार्बन पे दो बार ब्रांचिंग कर दो मिथाइल की क्लियर है तो टोटल मिला के बेटा हमारे पास पेंटेन के तीन चेन आइसोमर्स होते हैं थ्री चेन आइसोमर्स फॉर पेंटेन पहले वाले का नाम एन पेंटेन दूसरे वाले का नाम आइसो पेंटेन सेकेंड कार्बन पे आपने ब्रांचिंग की है कॉमन नेम आइसो पेंटेन अच्छा तीसरे वाले का जो नाम है कोई गैस करेगा तीसरे वाले कंपाउंड का तीसरे वाले आइसोमर का जो नाम है पेंटेन में दैट इज नोन एज नियो पेंटेन क्या कहते हैं इसको इसको नियो पेंटेन कहते हैं अब ये नियो वर्ड नया आ गया आप लोगों के लिए नियो को भी लिख लो नियो को भी एक्सप्लेन कर देते हैं राइट डाउन न्यू एलकेन।, एलकेन क्या होता है नियो प्रीफिक्स तब यूज किया जाता है बेटा नियो इज यूज एज प्रीफिक्स देर इज टू सी एच थ्री ब्रांचेस जब दो मिथाइल की ब्रांचेस हो ऑन सेकेंड कार्बन जब दो सी एच थ्री के ब्रांचेस हो ऑन सेकेंड कार्बन देन वी यूज द न्यू सेकेंड कार्बन पे कार्बन पे दो मिथाइल की ब्रांचिंग होगी तो हम नियो प्रीफिक्स का यूज करेंगे तो आइसो नियो दोनों ही सेकेंड कार्बन के लिए है आइसो का मतलब सेकेंड कार्बन पे एक ब्रांच नियो का मतलब सेकेंड कार्बन पे दो ब्रांच क्लियर है चलिए आगे चलते हैं बेटा बेटा हेक्सेन भी कर ही लेते हैं हमारी कोई दुश्मनी नहीं है जब ब्यूटेन पेंटेन किया है तो सी सिक्स एच फोर्टीन छह कार्बन का एल्केन है आप कोशिश करिए कि कितने चेन आइसोमर आप इसके बना सकते हो शुरू हो जाओ भाई सबसे पहले मैंने कहा कि छह के चे कार्बन को एन कार्बन को स्ट्रेट चेन में लगा लो के कार्बन एन कार्बन को स्ट्रेट चेन में लगा लो अब मैंने कहा कि पांच कार्बन को स्ट्रेट चेन में लगाओ सेकेंड से ब्रांचिंग चालू कर दो अब इस ब्रांच को खिसका के देखो कुछ अलग बन रहा है क्या आई थिंक इस केस में अलग बन जाएगा हाँ पहले ब्रांच सेकंड पे थी मैं थोड़ा ऊपर लिख लूं ताकि एक ही पेज पे सारे सेट हो जाए ना वरना हमें अलग अलग पेज करने पड़ेंगे थोड़ा छोटा ही लिख लेते हैं सो छे के कार्बन हमने लगाए ठीक है अब हमने पांच कार्बन लगाए और ये कर दी ब्रांच अब मैंने पांच कार्बन में ही ब्रांच को खिसका दिया तो ये ब्रांच हो गई मेरी थर्ड पे अब अगर मैं ब्रांच को खिसकाते हूँ अब अगर मैं इस ब्रांच को यहाँ शिफ्ट करूं, उठा के, तो दिस एंड दिस मतलब शिफ्ट वाला वाला और ये वाला सेम हो जाएगा तो आप चार कार्बन लगाओ स्ट्रेट चेन में अब आपको दो बार ब्रांच करनी पड़ेगी ठीक है अब अगर मैं इन दोनों ब्रांचेस को एक साथ खिसका दू पॉइंट no रिपीट हो जाएगा हो जाएगा ना भाई राइट right से वन टू थ्री फोर लेफ्ट से वन टू थ्री फोर तो दोनों का मत खिसका देर इज वन मोर तरीका देर इज वन मोर वे एक को इधर बनाओ एक को इधर बनाओ तो टोटल अपने पास बेटा हेक्सेन के पांच चेन आइसोमर्स होते हैं याद कर लेना ये नंबर मैंने बोला इसलिए पहला वाला एन हेक्सेन एज यूज़ुअल नॉर्मल हेक्सेन दूसरा वाला आइसो तीसरे को आइसो नहीं बोलोगे तीसरों का आइसो नहीं बोलोगे सेकेंड कार्बन पे होती है तभी आइसो कहते हैं तीसरे में थर्ड कार्बन है तो इसका कोई कॉमन नेम नहीं है इसका सिर्फ आयु पैक नेम लिखो तो बताओ आयु पैक नेम थ्री मिथाइल पेंटेन इतना तो सीख गए हो ना इसका नाम हो गया थ्री मिथाइल पेंटेन चौथे वाले में सेकेंड कार्बन पे दो मिथाइल की ब्रांचिंग है इट विल बी न्यू हेगेन और पांचवे वाले में कोई कॉमन नेम नहीं है वन टू थ्री फोर आयुपेक के रूल्स लगाओगे तो इट विलू कॉम टू डाई मिथाइल ब्यूटेन ठीक है ब्यूटेन इज दिस क्लियर टू एवरी वन आया आप लोगों को समझ में सो दिस इज अबाउट हेक्जेन आगे चलते हैं हेप्टेन भी करना है बेटा अच्छा कैसा रहे अगर हेप्टेन होमवर्क में दे दिया जाए और आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि हाउ मेनी चेन आइसोमर्स फॉर हेप्टेन। अच्छा हेप्टेन से आगे नहीं आएगा दिस ना मैं श्योरिटी मैं दे रहा हूँ आपको कि हेप्टेन से आगे नहीं पूछेंगे तो हाउ मेनी चेन आइसोमर्स फॉर हेप्टेन। चलो अब इतनी प्रैक्टिस की है हेप्टेन के लिए तुम लोग बताओगे सी सेवन एच सिक्सटीन अच्छा मैं एक और तरीका बताती हूँ अगर गूगल पे

तो मेहनत करनी पड़ेगी तुम लोगों को भी वही तरीका लगाना पड़ेगा ड्रॉ एंड काउंट एंड कमेंट योर आंसर कमेंट कर देना काउंट करने के बाद चलो मैं तुम लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सिखाती हूँ इसके बाद चेर आइसोमेरिज्म इन एल्काइल ये तुम लोगों ने कभी नहीं सीखा होगा ये तुम लोगों का आज बहुत सारा डाउट क्लियर कर देगा ऑर्गेनिक का चेर आइसोमेरिज्म इन एल्काइल देखना एल्काइल में चेन आइसोमेरिज्म देखना बेचे ध्यान देना आइसोमेरिज्म चेन आइसोमेरिज्म सबसे पहले एलकाइल होता क्या है ये तो हम सीख ही चुके हैं कि अगर मेरे पास आर एच करके कोई कंपाउंड है एल्केन है सॉरी कोई कंपाउंड नहीं एल्केन है और मैं इसमें से हाइड्रोजन बाहर निकाल दूं तो मेरे पास खाली आर बचता है विद अ फ्री वैलेंसी इस आर को हम कहीं भी टांग देते हैं आयुपेक में कंपाउंड में कहीं भी फिट कर देते हैं दिस इज नोन एज एल्काइल तो एल्काइल में चेन आइसोमेरिज्म प्रोपेन से चालू हो जाता है ब्यूटेन से होता है यहाँ प्रोपाइल से चालू हो जाता है तो सबसे पहले मैंने लिया प्रोपाइल अब देखना आपको कभी भी का चेन लिखने के लिए एलकेन से सोचना होगा ऑलवेज यू नीड टू थिंक फ्रॉम द पेरेंट एल्केन कि इसका पेरेंट एलकेन कौन है हमेशा वहां से सोचना चालू करो तो प्रोपाइल किससे मिलकर बनाए इज अ पेरेंट एल्केन फ्रॉम प्रोपाइल कौन है इसका पेरेंट कौन है इसका पेरेंट तो प्रोपाइल मिलके बना है प्रोपाइल का जो पेरेंट एल्केन है प्रोपाइल का जो पेरेंट एल्केन है बेटा दैट इज़ प्रोपेन तो आपको दिमाग प्रोपेन से लगाना है ना कि प्रोपाइल से किससे लगाना है दिमाग आपको दिमाग प्रोपेन से लगाना है ना कि प्रोपाइल से अब देखो प्रोपेन मेरे पास कितने होते हैं बेटा प्रोपेन मेरे पास एक ही होता है 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 ना प्रोपेन में तो कोई चेन है नहीं तो पहले प्रोपेन बनाओ प्रोपेन सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच टू एंड सी एच थ्री ये प्रोपेन है एक ही होता है तो आपको बस इतना सोचना है ध्यान देना एल्काइल कैसे बनेगा एल्केन से हाइड्रोजन हटा के

One, two, आप इधर से भी कर सकते हो आयु पैक आपको बोलता है चाहे ऐसे वन टू थ्री करो चाहे ऐसे वन टू थ्री करो ये बात तो बात है डिफरेंट हाइड्रोजन केवल एक ये है और एक ये है। तो दो डिफरेंट हाइड्रोजन है जिसको हम निकाल सकते हैं अगर मैं इन दोनों डिफरेंट हाइड्रोजन को निकालू मान लो मैंने यहां से मिडिल वाला निकाल दिया तो ये आ गई फ्री वैलेंसी और अगर मैंने टर्मिनल वाला निकाल दिया CH2, तो तो पे आ गई फ्री वैलेंसी। टर्मिनल में आप भी टर्मिनल निकाल सकते हो 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 बेटा ये गए गए दो तो चेन कितने होते हैं टू चेन के चेन हो गए टू। लेकिन हमने सोचना कहाँ से शुरू किया प्रोपाइल से नहीं हमेशा सोचना कहाँ से है प्रोपेन से प्रोपेन विल डिसाइड बेटा पहले वाले को कहते हो आप आइसोप्रोपाइल आप हमेशा पूछते हो ना कि व्हाट इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप व्हाट इज आइसो दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप बीच में से लटका है एक मिथाइल इधर है एक मिथाइल इधर है दिस इज आइसोप्रोपाइल आइसोप्रोपाइल ग्रुप डिग्री कार्बन है है ये है, और इसको आप कहते हो एन प्रोपाइल नॉर्मल प्रोपाइल ठीक है खाली प्रोपाइल कह दो या नॉर्मल प्रोपाइल कह दो तो कहाँ अटके थे अभी हम लोग डिग्री पे अटके थे डिग्री नहीं पता ना आप लोगों को कार्बन वार्बन की डिग्री पे अटके थे अभी चलो डिग्री की बात करते हैं पहले डिग्री सीख लो आयुपेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिग्री ऑफ बहुत बेसिक सीख सिखा रही हूँ मैं बट मुझे लग नहीं रहा है सिखाने देगा एक सेकेंड रुक जाओ यस तो डिग्रीज हम पढ़ने वाले हैं बेटा सो राइट डाउन डिग्री ऑफ पहले कार्बन कर लेते हैं, चलो पूरा ही हेडिंग एक साथ डाल लो डिग्री ऑफ कार्बन एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोजन

एक ही कार्बन हो उसे हम वन डिग्री कार्बन कहते हैं और बेटा वन डिग्री हाइड्रोजन हम किसे बोलते हैं वन डिग्री हाइड्रोजन हम किसे बोलते हैं वन डिग्री हाइड्रोजन हम वन डिग्री पे लगे वन डिग्री कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन को कहेंगे कार्बन वो हो जाएंगे हाइड्रोजन इसी तरह से होता है टू डिग्री कार्बन कार्बन अटैच टू टू सराउंडिंग कार्बन दो सराउंडिंग कार्बन से जो कार्बन अटैच होंगे वो कहलाएंगे बेटा टू डिग्री कार्बन और बेटा टू डिग्री हाइड्रोजन क्या होंगे हाइड्रोजन अटैच टू डिग्री कार्बन वो हो जाएंगे टू डिग्री हाइड्रोजन फिर हमारा होता है कि थ्री डिग्री कार्बन हम किसे बोलेंगे कार्बन सराउंडेड विद या कार्बन बॉन्डेड विद थ्री सराउंडिंग कार्बन तीन सराउंडिंग कार्बन से जो बॉन्डेड होगा कार्बन वो थ्री डिग्री कार्बन कहलाएगा और थ्री डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा बेटा हाइड्रोजन अटैच टू हाइड्रोजन अटैच टू थ्री डिग्री कार्बन और फिर बेटा फोर डिग्री कार्बन क्या होगा कार्बन बॉन्डेड टू फोर सराउंडिंग कार्बन चार सराउंडिंग कार्बन से जो कार्बन बॉन्डेड होगा वो फोर डिग्री कार्बन कहलाएगा और फोर डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा फोर डिग्री हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच टू फोर डिग्री कार्बन गधो अगर कार्बन ऑलरेडी चार कार्बन से बॉन्ड बना चुका है तो पांचवा बॉन्ड थोड़ी ना हाइड्रोजन से बनवा दोगे कार्बन के पांच बॉन्ड बनाओगे क्या तुम लोग भी तो फोर डिग्री हाइड्रोजन नॉट एग्जिस्ट ये एग्जिस्ट नहीं करता इसको मत बना देना गलती से फोर डिग्री कार्बन तो होता है बट फोर डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता चलिए तो एक एग्जाम्पल में आपको बहुत जल्दी से डिग्री समझ आ जाएगी छोटा सा काम है कोई बड़ा काम नहीं है मैंने एक एग्जाम्पल लेना है बस और तुम लोग को डिग्री समझ आ जाएंगी चलो ये एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा अब देखो राइट right साइड से शुरू करते हैं जो सबसे टर्मिनल वाला कार्बन है कार्बन नंबर वन और राइट से ही शुरू करना भी चाहिए चार कार्बन से जुड़ा हुआ है टू डिग्री एक इधर कार्बन एक इधर देन द नेक्स्ट वन इज द थ्री डिग्री तीन जगह कार्बन है फिर ये टू डिग्री हो गया फिर ये वन डिग्री हो गया तो बेटा अगर मैं काउंट करूं वन डिग्री हाइड्रोजन टोटल कितने टोटल वन डिग्री हाइड्रोजन तो जितने भी वन डिग्री कार्बन है अच्छा और कार्बन भी तो बचे हैं ये भी वन डिग्री ये भी वन डिग्री ये भी वन डिग्री तो जितने भी वन डिग्री कार्बन है उस सबके हाइड्रोजन काउंट कर लो थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन तो टोटल वन डिग्री हाइड्रोजन कितने बेटा फिफ्टीन टोटल टू डिग्री हाइड्रोजन अपने पास कितने टू डिग्री कार्बन पे लगे हाइड्रोजन काउंट करो दो चार टोटल टू डिग्री हाइड्रोजन अपने पास कितने हैं बेटा फोर और टोटल थ्री डिग्री हाइड्रोजन अपने पास कितने हैं बच्चे थ्री डिग्री थ्री डिग्री थ्री डिग्री थ्री डिग्री अच्छा मैंने एक हाइड्रोजन लगाया नहीं यहाँ पे थ्री डिग्री पे एक हाइड्रोजन होगा तो थ्री डिग्री हाइड्रोजन थ्री डिग्री कार्बन एक ही है थ्री डिग्री हाइड्रोजन वन है और बेटा फोर डिग्री होता ही नहीं है वो गलती हमें नहीं करनी फोर डिग्री वाली हम हम कार्बन के पांच बॉन्ड नहीं बनाएंगे ठीक है तो चलो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल डिग्रीज आपको क्लियर हो गई बैक टू आइसोमेरिज्म तो हम प्रोपाइल कर रहे थे बेटा और हम समझ गए थे कि प्रोपाइल के दो आइसोमरिज्म होते हैं दो आइसोमर्स होते हैं आइसो प्रोपाइल प्रोपाइल लेकिन उससे ज्यादा जरूरी बात ये समझना है कि प्रोपाइल के आइसोमर बने प्रोपेन से हैं जनरेटेड फ्रॉम प्रोपेन तो इसी तरह अगर मुझे ब्यूटाइल के आइसोमर बनाने हो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मुझे ब्यूटाइल के आइसोमर बना के दिखाओ नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ ब्यूटाइल तो आप क्या करोगे तो ब्यूटाइल के आइसोमर बनाने के लिए आप ब्यूटेन से चालू करना कभी भी ब्यूटाइल से नहीं भाई ब्यूटेन मेरे पास होता है C4H10 ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ब्यूटेन और जब आप ब्यूटेन से स्टार्ट करोगे तो आपको सोचना पड़ेगा कि ब्यूटेन के खुद कितने आइसोमर हैं तो तुरंत आपका दिमाग बोलेगा अगर आपने नंबर याद किया होगा मेरे कहने पे तो आपका दिमाग तुरंत बोलेगा दो तो वो दोनों बना लो एक तो ये स्ट्रेट चेन वाला और एक आइसो तो एक तो है एन ब्यूटेन बेटा एक है आइसो ब्यूटेन अब आपको सोचना है कि एन ब्यूटेन से टोटल कितने डिफरेंट हाइड्रोजन निकाले जा सकते हैं तो एक डिफरेंट हाइड्रोजन बेटा ये वाला दिस वन एंड दिस वन इज सेम भाई इतना तो आयु पैक ने सिखाई दिया है वन टू थ्री फोर आयो पैक ने गिनती तो सिखाई दी है

तो बेटा एक ब्यूटेन तो आएगा अगर मैं टर्मिनल से हाइड्रोजन निकाल के यहाँ फ्री वैलेंसी कर दूं और एक आएगा अगर मैं सेकेंड पोजिशन से हाइड्रोजन निकाल के यहाँ फ्री वैलेंसी कर दूं दो अब आइसो ब्यूटेन में कितने डिफरेंट हाइड्रोजन है देखो दिस दिस एंड दिस आर सेम आप चाहे ऐसे वन टू थ्री लिखो चाहे ऐसे वन टू थ्री लिखो चाहे ऐसे वन टू थ्री लिखो दिस दिस एंड दिस आर सेम तो बेटा एक ये और एक ये दो अलग है इसमें भी दो अलग है तो टू डिफरेंट हाइड्रोजन इन दिस ऑल्सो तो टोटल तो ब्यूटाइल तो हमें आंसर मिल चुका है चार बस हम बना के देख रहे हैं सीखने के परपज से तो बेटा एक तब जब आप टर्मिनल से हटाओगे और एक तब जब आप थ्री डिग्री कार्बन से यहां से हटाओगे प्री वैलेंसी अब इन चारों के नाम देखना पहले वाले को हम कहते हैं ब्यूटाइल

चारों नाम तंग करेंगे सताएंगे ऑर्गेनिक में अगर याद नहीं करोगे सेक ब्यूटाइल का नाम सेकेंडरी वर्ड से आया है सेकेंडरी का मतलब होता है टू डिग्री तो सेक ब्यूटाइल इसलिए है क्योंकि ये टू डिग्री कार्बन है आइसो ब्यूटाइल का नाम कैसे आता है एल यू टर्सरी ब्यूटाइल का नाम इसलिए आया है क्योंकि ये थ्री डिग्री कार्बन है इसका नाम नियो ब्यूटाइल नहीं है इसका नाम टर्सरी ब्यूटाइल है तो व्हाट इज सेक वेक वॉट इज आइसो किसे बोल रहे हैं देखना। सेक हम देखना बिट ऑज से वेन हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम टू डिग्री कार्बन विच इज यूनिक बेटा यूनिक बनना चाहिए जो एल्काइल बनेगा वो यूनिक बनना चाहिए इज क्रिएटिंग यूनिक अगर एक से ज्यादा होते ना टू डिग्री कार्बन और यूनिक नहीं बनता तो हम सेक नहीं कह पाते आइसो एल्काइल हम किसे कहते हैं आइसो एल्काइल इज ऑलवेज फॉर्म्ड फ्रॉम

हाइड्रोजन फ्रॉम टर्मिनल कार्बन फार अवे फ्रॉम ब्रांच वो वाला टर्मिनल कार्बन जो ब्रांच से बहुत दूर है इज रिमूव क्या ये बात आपने कभी सीखी थी तभी तो तुम लोग को पता नहीं आईसो कहते किसे तो सेक और आइसो में अब कोई कंफ्यूजन मत रखना सेक हमेशा टू डिग्री

जब हम हाइड्रोजन निकालेंगे टर्मिनल कार्बन दो टर्मिनल कार्बन है फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया यार यहाँ तो दो टर्मिनल कार्बन है किससे निकाला जाए फार अवे फ्रॉम ब्रांच उस टर्मिनल कार्बन से निकालो जो ब्रांच से दूर है ब्रांच से दूर कौन सा टर्मिनल कार्बन है दिस वन तो इससे अगर आप निकालोगे मतलब अगर आप फ्री वैलेंसी यहां छोड़ दोगे एक देखो एक वैलेंसी एक्स्ट्रा कर रखी है मैंने तुम लोग बता भी नहीं रहे हो यहाँ सी एच आएगा तो अगर आप फ्री वैलेंसी ब्रांच से दूर वाले देख लो ध्यान से देखो मेरे चेहरे को नहीं इस, इस कंपाउंड को तो अगर आप फ्री वैलेंसी ब्रांच से दूर वाले टर्मिनल कार्बन से छोड़ोगे तो वो आपका आइसो कहलाता है तो आइसो पेंटाइल बन गया इसी तरह आइसो एक्साइल बन जाएगा ठीक है तो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग आईसो मेरी जमीन एल्काइल क्यों पढ़ा मैम क्यों पढ़ा जमीन एल्काइल क्यों पढ़ा हमने देखो इस तरह का सवाल आता है अप्रोच समझना सवाल करने की मान लो आपका कोई क्वेश्चन आ गया हाउ मैनी एल्कोहॉल्स आर पॉसिबल फ्रॉम दी फॉर्मूला C4 H10 O C4 H10 o, इस फॉर्मूले के कितने अल्कोहल पॉसिबल हैं भाई क्वेश्चन ने पहले ही कह दिया कि ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर है तो आप बिल्कुल क्वेश्चन की बात को सुन लो समझ लो और OH अलग कर लो फॉर्मूले से क्योंकि अगर क्वेश्चन ने कह दिया कि इस कंपाउंड में अल्कोहल ग्रुप है तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी है OH को अलग करना OH को जैसे ही अलग करोगे आपका फार्मूला बच रहा है C4 H9 बच रहा है कि नहीं और सी फोर एच नाइन क्या होता है? होता है लिखा था मैंने ब्यूटाइल के ऊपर नहीं लिखा कोई नहीं लिख लो सी फोर एच नाइन इज ब्यूटाइल क्योंकि आप सी फोर एच टेन से एक हाइड्रोजन निकालते हो तो फॉर्मूला आपका बच रहा है ब्यूटाइल का अगर आपको याद है ना कि ब्यूटाइल के आइसोमर होते हैं आपका क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया आंसर चार आएगा आंसर चार आएगा क्योंकि मुझे पता है कि ब्यूटाइल चार बनते हैं नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ ब्यूटाइल जो है आंसर चार है चार बनते हैं लेकिन अगर आप सपोज रट के नहीं भी गए हो आप भूल चुके हो तो आपको कभी भी क्वेश्चन में रैंडम तुक्के नहीं मारने कि चलो ऐसे बना लेते हैं यहाँ ओ ओएच लगा देते हैं बस यही अप्रोच अप्रोच गलत है अप्रोच यह है कि ओएच तो लगाना ही नहीं है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन इस क्वेश्चन का आंसर आपको ब्यूटेन देगा कौन देगा सबका बदला कौन लेगा ब्यूटेन लेगा तो स्टार्ट फ्रॉम ब्यूटेन ना कि ब्यूटाइल ना कि रैंडम एल्कोहल बनाओगे बस यही गलती मत करना ब्यूटेन से स्टार्ट करना और ये सोचना कि ब्यूटेन के मेरे पास कितने आइसोमर हैं तो तुरंत आपका दिमाग बोलेगा ब्यूटेन 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 के तो दो दो दोनों बना दो। नॉर्मल ब्यूटेन एंड ब्यूटेन। अब आप ये सोच लो कि इसके पास कितने डिफरेंट हाइड्रोजन है दो तो दो जगह ओएच लग सकता है इसके पास कितने डिफरेंट हाइड्रोजन है दो दोनों जगह ओएच वग लगा सकते हो हाइड्रोजन हटा के टोटल कितने अल्कोहल बनेंगे टोटल चार बनेंगे आया आया? यूज़ समझ में आया? क्या यूज है? कैसे करना है अप्रोच? चलिए तो आपको सब पढ़ा दिया चेन आइसोमेरिज्म में शायद ज्यादा पढ़ा दिया थोड़ा बट आपके बहुत काम आएगा आप कभी आइसो नहीं भूलोगे सेक नहीं भूलोगे टर्शरी वाली चीजें आपको सताएगी नहीं चलिए बेटा द सेकेंड आइसोमेरिज्म पोजिशन आइसोमेरिज्म द सेकेंड वन इज पोजिशन आइसोमेरिज्म ये बहुत आसान है इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी दिस इज सो सिंपल वेरी सिंपल एक्चुअली तो पोजिशन आइसोमेरिजम में बेटा सेम मोलिकुलर फॉर्मूला पोजिशन आइसोमेरिज्म में बच्चे मोलिकुलर फार्मूलाइज सेम मोलिकुलर फॉर्मूलाइज सेम but different properties due to due to difference in position of due to difference in position of any of functional group या तो किसी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल जाए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और क्या होता है अपने पास प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या प्रीफिक्स में से किसी की भी पोजीशन डिफरेंट हो गई तो वो बेटा पोजीशन आइसोमर कहलाएगा कीपिंग द पेरेंट चेन सेम कहां पे लिख दूं ब्रैकेट में लिख दूं कीपिंग द पेरेंट चेन सेम पोजीशन आइसोमरिज्म की कंडीशन है पेरेंट चेन सेम होनी चाहिए पेरेंट चेन अगर बदली तो वो चेन आइसोमरिज्म में जाएगा अगर गलती से पेरेंट चेन बदल गई तो इट विल बी चेन आइसोमर ना की पोजीशन पोजीशन आइसोमर वो तभी होगा जब पेरेंट चेन सेम है केवल पोजीशन बदल रही है फॉर एग्जांपल देखो बेटा ये कहलाता है वन ब्यूटीन या पैक नेम अच्छे से लिखे तो ब्यूट वन इन ब्यूटीन भी लिख सकते हो खाली और बेटा अगर मैं इस डबल बॉन्ड की पोजीशन को बीच में ला दूं तो ये हो जाएगा ब्यूट टू इन पेरेंट चेन सेम है केवल डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल गई इसी तरह से बेटा वी कैन हैव हाँ। यहाँ ओएच हो सकता है यहाँ ओएच हो सकता है देखो चेन बिल्कुल सेम होनी चाहिए नंबर ऑफ कार्बन चेन के नहीं बदलने चाहिए एक बार मैं काउंट कर लू दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है कि नहीं वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हाँ चेन बिल्कुल पेरेंट चेन सेम होनी चाहिए केवल पोजीशन बदलनी चाहिए या तो फंक्शनल ग्रुप की या प्रीफिक्स की या मल्टीपल बॉन्ड की तो दैट इज़ नोन एज पोजीशन आइसोमर्स ठीक है तो दो तरह के आइसोमर्स मैंने आज आपको करा दिए मैंने आपको चेन आइसोमर करा दिया मैंने आपको पोजिशन आइसोमर करा दिया आपको बेटा टेलीग्राम पे इसका एनोटेशन मिल जाएगा मतलब ये पी मिल जाएगा आइसोमरिज्म वाला ये है आपका टेलीग्राम चैनल जितने बच्चे नए हैं चैनल पे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो उम्मीद नीट यू जी टेलीग्राम पर सर्च करोगे ना उम्मीद नीट यू जी तो वहाँ से आपको मिल जाएगा चलिए इसको यहीं पर एंड करेंगे कमेंट में मैंने जो पूछा है मुझे उसका जवाब चाहिए ठीक है क्वेश्चन का और अगर आपको कैसा मजा आया आइसोमेरिज्म पढ़ने में चेन आइसोमेरिज्म पोजीशन आइसोमेरिज्म तो लाइक like कर देना कमेंट कर देना शेयर कर देना चलिए थैंक यू सो मच एवरीवन सी यू इन द नेक्स्ट सेशन बाय बाय